बद्रीनाथ भी था बौद्ध मठ, क्या खुदाई कराएगी सरकार? बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया हिंदुओं का बद्रीनाथ धाम। स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत बड़ा दावा, क्या हिंदुओं का धार्मिक स्थल बद्रीनाथ पहले बौद्धों की धरोहर हुआ करता था? क्या तथागत बुद्ध के धम्म को मिटाकर बनाया गया हिंदुओं का बद्रीनाथ धाम? क्या बद्रीनाथ मंदिर की भी खुदाई कराएगी मोदी सरकार? ये वो सवाल हैं जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में चार धाम में से एक माने जाने वाले बद्रीनाथ धाम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा कर दिया है। मौर्य का कहना है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ हुआ करता था और बाद में उसे तोड़कर उसके ऊपर हिंदुओं ने अपना मंदिर बना डाला। दरअसल इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बारे में जब पत्रकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा तो उसके जवाब भी उन्होंने कह दिया, अगर सर्वे हो रहा है तो इस बात का भी सर्वे हो कि मंदिर से पहले क्या था, मस्जिद के ही पहले नहीं बल्कि मंदिर के पहले क्या था। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल हैं ये सब पहले बौद्ध मठ थे, बौद्ध मंदिर थे, बौद्धों का लर्निंग सेंटर थे, उसको तोड़कर मंदिर बनाए गए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम भी बौद्ध मठ था, उसे तोड़कर ही हिंदू मंदिर बनाया गया। जांच हो रही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आते ही हड़कंप मच गया। एक तरफ बीजेपी उन पर हमलावर है तो दूसरी तरफ उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो ठीक है, क्या सच में बौद्ध मठ को तोड़कर ही बद्रीनाथ मंदिर बनाया गया था। मौर्य के इस बयान को लेकर हिंदूवादी संगठनों और पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन मौर्य ने फिर एक बार ऐसा बयान दे डाला कि उनके विरोधियों को मिर्च लग गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बारे में फेसबुक पर लिखा, आखिर मिर्च लगी ने अब आस्था याद आ रही है, क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? इसलिए तो हमने कहा था कि किसी की आस्था पर चोट न पहुंचे, इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया, यही सच है। यूं तो ये धरती बुद्ध की है, भारत में जहां खोदोगे वहां बुद्ध ही नजर आएंगे, भारत के कण कण में तथागत बुद्ध के ही निशान मिलेंगे। लेकिन अगर बात सर्वे और खुदाई की ही है तो फिर क्यों सिर्फ मस्जिदों का ही सर्वे और खुदाई हो? उन हिंदू धार्मिक स्थलों की खुदाई क्यों नहीं होती जहां तथागत बुद्ध की मूर्तियों को चमकीले कपड़े पहनाकर देवी देवता बनाकर पूजा जा रहा है और बौद्ध ये दावा करते हैं कि वो मंदिर नहीं बल्कि बौद्ध विहार हैं? क्या मोदी सरकार इन दावों की पड़ताल निष्पक्षता से करवा सकती है? क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इन दावों की जांच करवा सके? आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700006040, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।